पीछे आओ, पीछे पीछे आओ सब, चलो हम भी बैठे हैं। तुझे पीछे आओ, कहाँ कहाँ, यहाँ सेंटर में, उसमें भी सेंटर में ही आ। अरे बार बार छतरी तो थोड़ा अंदर बाहर हो जाए भाई, हो थोड़ा थोड़ा, अरे बैग सब पीछे खड़ा हो जाए। अरे कुछ अरे केक नहीं दिख रहा नवरा जी, चले इधर पे जा रहे हैं, हटाओ हटाओ उसको, अभी काटो ना, हटाओ हटाओ बस बस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। रवि को, रवि को भाई लेते हैं भाई, केक पकड़ने के बाद चलेंगे बाहर, चलो चलो बाहर चलो ना, अरे अच्छा भाई हर इवेंट में जाएंगे, इसलिए डायरेक्शन कौन है इसका, आगे आया वो ये भाई इसका क्या ये भैया चला रहा है अपना, मेरा तो पीछे ही है, नया आया वहां अजय इसका क्या है, वो आगे ले लो अजय, उठे पीछे इधर लो अजय, ये उठा लो ना अजय, उठा लो कपड़ा, अरे इसका बेबी पूरा हाथ में ले लो, के मारा ना दे बोलना माइक में, ये यहां पे काम कर रहा है। जरुद्दीन नुसरत जी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नुसरत जी आपके सामने देखिए सेंटर, मेरा सर मेरा सर थोड़ा क्लोज आइए ना सर, मैं थोड़ा क्लोज आइए मुझे सर, सर जनित में जा रही अभी नेक्स्ट डायरेक्शन दे भाई, अभी बोलन दे लो, अभी नेक्स्ट डायरेक्शन दे ले राजा फोटो भाई, ये मारवाड़ी का है ना, गबड़ कैसे हो गया अपना बोल, जिस दिन आपके साथ
साबित कर दूंगी कि मैं जो काम कर रही हूँ अरे चाचा मैं दोबारा नौकरी छोड़ दूँ। Yes. मैं जो काम कर रही हूँ वो गलत है उस दिन मैं दोबारा नौकरी छोड़ दूँ। अरे भाई उसी में बोला जिस दिन आप ये साबित कर दोगे कि मैं जो काम कर रही हूँ वो गलत है उस दिन मैं नौकरी दोबारा देखिए अभी जाओ विनोद भाई को सुनो भी है सेंटर में देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इधर इधर देखिए इधर 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 यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे नीचे ऊपर मैम नजर जी सामने देखिए नीचे मत देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर 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 में देखिए नाम नाम है थोड़ा इधर आइए ये सीलिंग दिखा दे रहे सीलिंग कौन सा सीलिंग वो क्या उधर है क्या हवा है हवा क्या नजर जी सामने देखिए सेंटर एक भोंगा ले अरुण क्या कर रहे थे ना प्रॉपर्टी अरुण के लिए खड़ा है कैमरा में वीडियो ले रहे हो हल्का लुट गया था जनित पे जा रही है और क्या आपके लिए अलग से अलग उसके लिए मीडिया भाई समित बाद में पहले फोटो आप वही सामने वही चलता है बेटा चलो हो गया चलो हो गया बाइट करते चला जाओ समित Thank you guys, thank you so much. I firstly have to say thank you for everybody for coming here and doing this. मैं मतलब शूट करी थी तो मैंने कुछ कर नहीं पाई हूँ बट बी एस एल ने अरेंज किया विनोद जी ने अरेंज किया सो थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग फॉर माई बर्थडे अब आप आज का दिन कितना खास होता है नुसरत जी के लिए बर्थडे गर्ल है मैं अपने बर्थडे के लिए पागल हूँ मतलब कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि एक दिवाली होती है और एक तेरा बर्थडे होता है मैं उतनी ही धूमधाम से बनाती हूँ अब शूट कर रही हूँ इस बार तो नहीं कर सकती बट करूँगी सून आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी सून आई लव सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे आई थिंक इट्स द वन डे दैट आई फील लाइक आई कैन आई एम एक्चुअली द हैप्पीएस्ट एंड आई मेक एवरीबडी अराउंड मी हैप्पी एंड आई जस्ट लाइक टू बी हैप्पी एंड जो मुझे चीज़ें पसंद है पूरे दिन में मैं पूरे दिन में वही करती हूँ तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है आज की शाम हो गया कल रात को मेरी टीम ने मेरी पूरी वैनिटी वैन को गुब्बारों से भर दिया और मेरे सारे फिल्म्स के नाम गुब्बारों पे लिख दिए थे इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी तो आई हैव एंटर्ड शूट से इनटू द वैनिटी फुल ऑफ बलून्स एंड हैप्पी बर्थडे लिखा था और फिर केक्स थे फिर कुछ दोस्त आए मेरे सेट पे हमने केक काटे कल रात को सेट पे तो इट वाज वेरी स्वीट
और आपकी फिल्म आ रही है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे सोसाइटी के लिए, स्पेशली वुमेंस के लिए। और डू यू से अवार्ड की आप कितनी एक्साइटेड होती है नुसरत जी जब इस तरह की फिल्में आती हैं? यार एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई फील वेरी ब्लेस्ड क्योंकि ऐसे मौके मिलते नहीं है एंड ऐसी कहानियाँ लड़कियों के लिए लिखी नहीं जाती है और ऐसा कहानी लिखी गई मौका मिला और राज और विनोद जी मेरे पास आए विच फॉर मी ऑल्सो इज़ अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट कि पिक्चर ने मुझे चुना और मैंने पिक्चर को नहीं चुना था, दे केम टू मी। तो आई फील लाइक अगर ऐसी पिक्चरें बने और मुझे और मौके मिले तो आई वुड लव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जब आपको बताया गया कि इस तरह की फिल्म होगी, इस तरह की डायलॉग डिलीवरी होगी, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? मैं बिल्कुल भी उससे घबराई नहीं या ये सोचा नहीं कि ये कैसे होगा, क्यों, कहाँ। एक्चुअली मुझे राज पे इतना भरोसा है बिकॉज उसकी राइटिंग सबसे भारी से भारी चीज़ को भी इतनी आसानी से और लाइटली बोल देते हैं कि आप हंस के उस बात को और अच्छे से समझ जाते हो। मुझे वो यूजिंग ह्यूमर टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एज अ कॉन्सेप्ट इन फिल्म मेकिंग। एंड राज की राइटिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब आई हैव ड्रीमगर्ल के नरेशन पे मैं गिर गई थी चेयर से चार बार हंसते हंसते, तभी तो मैंने फिल्म की। मैंने कहा इतनी फनी है ये कैसे नहीं हो सकती। तो द फैक्ट दैट आई एम डूइंग अ कॉमेडी अगेन इन हिज वर्ल्ड एंड राइटिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑडियंस ने बहुत ही वार्म वेलकम किया है जब से ट्रेलर आया है, लाइक जिस तरह का आपका डायलॉग है कि एक वुमन सफर जैसे जो कि जो भी डायलॉग है, लोग बहुत ही अप्रिशिएट्स कर रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे कि हाई टाइम ना, हाई टाइम एक वुमनिया सब पे भारी पड़ जाए। वैसे मेरी छोरी का भी यही था कि ये छोरी छोरों से कम नहीं है, तो पता नहीं ऐसे कैसे स्लोगन आ रहे हैं मेरे साथ, बस आ रहे हैं, चल रहा है, सो गुड। इस तरह की फिल्में करने में कितना बिलीव करती हैं स्पेशली नुसरत जी, एंड आगे भी हम आपको देखेंगे इस तरह से? नहीं तो सोशल सोसाइटी करेक्ट, क्योंकि जनहित का जो हमने फर्स्ट अनाउंसमेंट किया था वो फ्रेंचाइज ही किया था। एंड द पॉइंट आई थिंक हम जो करना चाह रहे हैं कि हम एक एक मुद्दे को उठाए हर फिल्म के साथ और उस मुद्दे के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जनता को बताएं और उस अच्छा एक मैसेज को जनहित में जारी करें। ये कॉन्डम यूज़ पे है, कुछ किसी और शायद टॉपिक पे होगा, किसी और सोशल आई डोंट नो, जो भी इनको लगे या राज को लगे हमें उस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए और बात करनी चाहिए, शायद उस पर हो। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, यहाँ भी कुछ एक आपके फ़ैन है जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है, वो सब भी फ़ैन है, कहते हैं कि डे बाय डे ब्यूटीफुल होती जा रही है नुसरत जी। थैंक यू यार, एटलीस्ट डे बाय डे ब्यूटीफुल होती जा रही हूँ, आई एम नॉट एजिंग। थैंक यू सो मच। चलिए सो कुछ ऑडियंस को कहेंगे 10th ऑफ जून को जी फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। हम दो साल के लॉकडाउन से आए हैं और अब इतनी सारी फिल्म्स रिलीज़ हो रही है बैक टू बैक दैट आई अंडरस्टैंड के बहुत ऑप्शंस हैं एंड बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत फिल्म्स को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें हमारी एक छोटी सी फिल्म है, एक छोटी सी कोशिश है, आइडिया बड़ा है बट कोशिश छोटी सी है। एंड अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो जैसे ही ड्रीम गर्ल में ट्रेलर से भी ज़्यादा मज़ेदार फिल्म थी, इस बार ट्रेलर से भी ज़्यादा मज़ेदार फिल्म है और वो कुछ एंड में कह के भी जाती है एंड फैमिली फिल्म है, सो प्लीज़ कम विद योर फैमिली एंड होप यू गाइस एंजॉय 10th ऑफ जून। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस एंड गुड लक। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा सा ये लोड ऑफ